गाइज, आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, या आपका क्रोम ओपन ही नहीं हो रहा है। आप क्लिक पे क्लिक किए जा रहे हो और आपका जो क्रोम है ओपन नहीं हो रहा है। तो मैं आपको इस प्रॉब्लम को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए आगे बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को होल कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। आप यहाँ पे कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 या विंडोज़ 7, आपको अपने क्रोम के ऊपर राइट क्लिक करके आपको इसके प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है, और आपको ओपन फाइल लोकेशन वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे क्रोम का एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो होगा फाइल लोकेशन में। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए मैं यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे जाता हूँ, और आपको यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और रीनेम में आप यहाँ पर किसी भी नेम को आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्रोम 1 यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ, देन एंटर करता हूँ। अब आपको इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेना है। आपको यहाँ पर क्रिएट शॉर्टकट का आपको यहाँ पर ऑप्शन होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और आपको इसे यस कर देना है। और यस करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया है क्रोम 1 के नेम से। अब आपको यहाँ पे करना ये है कि आपका जो पहले वाला जो शॉर्टकट था क्रोम गूगल क्रोम के नेम से, तो आपको इसे डिलीट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद फिर आपको अपने डेस्कटॉप पे वन टाइम आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है, और आप यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र का आप यहाँ पे ओपन करोगे, तो आप और आपका जो क्रोम ब्राउज़र है ये आपके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ओपन होगा। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे ये क्रोम ब्राउज़र ओपन नहीं होता है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। उससे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूँ। तो आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आर बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पर रन प्रोग्राम को ओपन करना है, और आपको यहाँ पर टाइप करना है %temp% देन ओके। और आपके यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स शो होंगे, तो आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट करना है अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस कर देन यस। और हो सकता है यहाँ पे कुछ फाइल्स आपके यहाँ पे डिलीट ना हो, और जो फाइल्स आपके यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है आपको उसे एज इट इज़ वैसा ही छोड़ देना है, और आपको इसे कट करना है, और आपको अगेन अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है, और इस बार आपको यहाँ पर टाइप करना है %appdata% देन ओके। और आपको यहाँ पे ऐप डेटा का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपके यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे लोकल का फोल्डर में आपको यहाँ पे चले जाना है, और आपको यहाँ पे गूगल का फोल्डर में आपको यहाँ पे चले जाना है। गूगल के फोल्डर में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का आपको यहाँ पे क्रोम के रिलेटेड आपको यहाँ पे फोल्डर शो होगा, तो आपको इसे परमानेंटली डिलीट कर देना है शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस कर। डिलीट कर देने के बाद फिर आपको इसे कट करना है, और आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है, और आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल। मैंने आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है, और हो सकता है कंट्रोल पैनल का आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो, तो आपको यहाँ पे लार्ज आइकन्स आपको यहाँ पे करना है, और आपको यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और आपके यहाँ पे क्रोम ब्राउजर शो होगा, तो आपको क्रोम ब्राउजर को सेलेक्ट करके आपको इसे अनइंस्टॉल्ड कर देना है। अनइंस्टॉल हो जाने के बाद फिर आपके यहाँ पे क्रोम ब्राउजर यहाँ पे शो नहीं होगा। अब आपको इसे कट करना है, और जो आपका शॉर्टकट क्रिएट हुआ था, तो आपको उस शॉर्टकट को भी आपको यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद फिर आपको यहाँ पे वन टाइम रिफ्रेश करना है, और आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट मेनू में आना है। अगर आप यहाँ पे विंडोज 7 अगर बाय द वे आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो आपको स्टार्ट मेनू में टाइप कर सर्च करना है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर लेना है। अगर आप यहाँ पे विंडोज 7 यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप यहाँ पे विंडोज 10 या विंडोज 11 यूज़ कर रहे हो, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करना है, जो आपका विंडोज 10 या विंडोज 11 का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है google.com, और आपको यहाँ पे google.com में आपको यहाँ पे टाइप करना है क्रोम डाउनलोड, और आपको इस पहले वाले ऑप्शन पे ही चले जाना है, और आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, क्रोम का जो लेटेस्ट ऑप्शन मैंने वर्जन जो है आपको उसे डाउनलोड करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को जो इंस्टॉलर फाइल है, सेटअप फाइल है, वो आपके यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और डाउनलोड हो जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे ओपन फाइल का ऑप्शन होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और जो क्रोम ब्राउजर का जो मेन फाइल है वो आपके यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। और डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आपके यहाँ पे इंस्टॉल भी होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपके यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का यहाँ पे मेन फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे वो इंस्टॉलर फाइल था कुछ ही MB का था जो डाउनलोड हुआ था, उसी के हेल्प से यहाँ पे आपका जो मेन फाइल है वो आपका डाउनलोड होगा। और डाउनलोड होने के बाद फिर आपके यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है वो यहाँ पे कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है, और आप यहाँ पे इसे साइन इन कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ, मैं यहाँ पे साइन इन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ओपन हो गया, जैसे आप यहाँ पे देखोगे क्रोम ब्राउज़र। जैसे मैं इसे कट कर मैं यहाँ पे
इस एप्लीकेशन की हेल्प से मैं यहाँ पे अगेन ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये अगेन ओपन हो गया है, और जैसे मैं यहाँ पे गूगल डॉट कॉम को भी मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो गूगल डॉट कॉम है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा जो ब्राउज़र है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे दो तीन फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।